अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 मैच हो रहा है, और लेकिन स्टेडियम में एक भी दर्शक नहीं है। वजह है कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, जो महाराष्ट्र की तरह अब गुजरात में भी तेजी से कोरोना पैर पसारता जा रहा है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी कोरोना दबे पांव दोबारा पैर पसार रहा है। पिछले 15 दिनों में गुजरात में रोजाना केस दोगुना हो चुके हैं। 1 मार्च को गुजरात में 427 कोरोना के केस थे, जो 14 मार्च तक आते आते दोगुना हो गए। 14 और 15 मार्च को कोरोना के 800 से ज्यादा मरीज मिले। इसका नतीजा ये हुआ कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत और इंग्लैंड के बीच बाकी 3 T20 बिना दर्शकों के करवाने का ऐलान कर दिया है। BCCI ने यह फैसला सोमवार की रात को लिया, जिसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली से मैच देखने आए दर्शकों को मायूस कर दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए ये फैसला किया गया है कि आज का जो T20 मैच है भारत और इंग्लैंड के बीच, ये मैच में दर्शक नहीं होंगे। यानी जो लोग इस मैच को चीयर अप करने आ रहे हैं, वो लोग नहीं होंगे ग्राउंड के अंदर। बिना ऑडियंस के ये पूरा मैच खेला जाएगा, सिर्फ क्रिकेटर इसमें मैच खेलेंगे और लोगों को अपने घर पे बैठ के टीवी पे मैच देखना होगा। दरअसल कोविड जिस तरीके से गुजरात में मामले उसके बढ़ रहे हैं, उसी को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्योंकि गुजरात में अगर बात की जाए तो पिछले 15 दिन में ये मामले दुगने हो चुके हैं। वैसे में यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट के फैन है, आप देख सकते हैं, जो हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए थे। रविवार को इसी स्टेडियम में 60,000 दर्शक मैच देखने पहुंचे थे। कोरोना काल में ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे ने क्रिकेट प्रेमियों के अरमानों पर पानी फेर दिया और बिना दर्शक ही मैच खेला गया। कोरोना को लेकर पाबंदियां सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारें कोरोना के नियमों को सख्ती से पालन करवाने में कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर ऐसा लगता है यहाँ के लोग इससे कोई लेसन नहीं ले रहे हैं। हम इस वक्त आए हैं चारबाग के रेलवे स्टेशन में लखनऊ में, यहाँ पर रियलिटी चेक करने, देखने कि जो पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहे हैं क्या वो कोविड नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो मास्क लगा रहे हैं। अब आप देखिए कैमरे को देखते हुए अब धीरे धीरे सब लोग मास्क लगाना शुरू कर रहे हैं। अभी तक कोई यहाँ मास्क नहीं लगाया था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ एक तरह से उड़ती दिख रही हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेन नहीं आ रही, उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह के सीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे बैठे हैं। कोरोना महामारी देश में न फैले, इसके लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था, लेकिन इस फैसले की वजह से देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन से देश को 35 से 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया कि लॉकडाउन से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, जिनकी नौकरी बची उनमें से बहुतों को कम सैलरी पर काम करना पड़ा। इसीलिए दोबारा लॉकडाउन देश नहीं सह सकता। ऐसे में सबकी भलाई इसी में है कि लोग कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करें। आज तक ब्यूरो।